नमस्कार, स्वागत है पत्रकार वार्ता में और मैं हूं आपके साथ जुबेर कुरैशी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 15 साल से सत्ता से दूर है और सत्ता में वापसी करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, यानी कि 15 साल से जो वनवास काट रही है उस वनवास को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी से और पूरी ताकत से जुट गई है। कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में जो जोश का माहौल पैदा हुआ, उस जोश खरोश के बाद एक और चीज़ जो सामने आई है, अब मध्य प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इस सूची को संभावित सूची कहा जा रहा है कि ये संभावित प्रत्याशियों की सूची है। इस सूची को लेकर गोलमाल सी जवाब आ रहा है। कोई कह रहा है कि ये फर्जी सूची है, कोई कह रहा है कि ये संभावित प्रत्याशियों की सूची है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये सूची को लेकर पूरी चर्चा अब सक्रिय है, सरगर्म हो चुकी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे पॉलिटिकल एडिटर दिनेश निगम त्यागी जी और साथ में परिवार सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 15 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार डेढ़ दशक का वनवास खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस विधानसभा के उम्मीदवारों की पहली संभावित सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला जो नाम सामने आया है वह है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ। नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से पीसी शर्मा का नाम सामने आया है। वहीं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से और झाबुआ सांसद कांतिलाल भूरिया के पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया झाबुआ सीट से उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री और सांसद सज्जन सिंह वर्मा भी देवास सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। वहीं तुलसी सिलावट का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। कांग्रेस की संभावित सूची में और भी कई नाम हैं। संभावित सूची जारी करने के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है वह यह है कि प्रत्याशियों को मतदाताओं से रूबरू होने के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। इसी सूची को जारी करने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है, जिसके मुताबिक जितने भी दावेदार हैं उनका विरोध खुलकर सामने आ जाए और विरोधियों और दावेदारों को समझाने बुझाने का समय भी कांग्रेस को मिल जाए। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की संभावित सूची जारी करने से दावेदारों के बीच कितना घमासान मचता है। तो देखा आपने, ये जो कांग्रेस की संभावित सूची उसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कोई इसे फर्जी सूची बता रहा है, कोई इसे कह रहा है कि ये संभावित सूची है, यही प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। क्या है सच्चाई, इसी पे हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है दिनेश साहब, आपको इस सूची को लेकर, ये संभावित सूची को लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए प्रिंस भाई, कांग्रेस में ये जो सूची सामने आई है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, फेथ नहीं करता, कि कांग्रेस में ऐसे टिकट बढ़ते नहीं हैं, ना कांग्रेस में इतने पहले सूची तैयार होती है। वैसे भी अभी प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। अभी कमलनाथ जी ने 1 तारीख को कार्यभार ग्रहण कर लिया किया है, 20-22 दिन उनको भी कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए हैं, तो अभी वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। कई जगह उन्हें जिलाध्यक्ष बनाना है, उसकी कसरत वो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने आते ही ये कहा है कि सितंबर तक हम कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, नवम्बर में चुनाव है। तो कमलनाथ जी फुर्ती से काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, समय उनके पास कम है, ये बार बार कहते हैं। और ऐसे में इस बीच में अचानक ये सूची का आ जाना, मुझे नहीं लगता कि अभी कमलनाथ जी के आने के बाद प्रत्याशियों को लेके कोई कसरत हुई है, कोई चुनाव समिति की बैठकें हुई हैं, कहीं ऑब्जर्वर गए हैं, उन्होंने जो है कोई राजशुमारी की है, कोई प्रत्याशी तलाशने की कोशिश की है, कौन जीत सकता है कौन, ऐसी कोई कसरत अभी कमलनाथ जी के आने के बाद नहीं हुई है। कमलनाथ जी ने खुद ने भी अभी कहीं कोई प्रदेश का दौरा किया नहीं है। कमलनाथ जी ने अपनी टीम अभी तक बनाई नहीं है, और ना ही उनकी टीम के टीम नहीं बनाई, तो ऐसा भी नहीं है कि पदाधिकारियों को उन्होंने प्रभार दे दिया हो और प्रदेश में भेजा हो कि वो जो है जाके लोगों से बात करें, कार्यकर्ताओं से बात करें और देखें कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। तो ये सूची कांग्रेस की कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, इसका कोई शोर तो है नहीं। कल जो है सज्जन वर्मा जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बात कह दी थी कि जो भी जिनमें कांग्रेस ज़्यादा बार से हार रही है, 15-20 से हार रही है, ऐसी करीब 45 सीटें हैं जिनकी सूची हमने तैयार कर ली है और इनको हम जल्दी घोषित करेंगे। लेकिन ऐसी कोई सूची आ गई, सामने आ गई, ऐसी किसी सूची पर मुझे भरोसा नहीं होता।
होता कि कांग्रेस में इस तरह टिकट बढ़ते हैं, इस तरह सूची सामने आती है। क्या लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जोश आया एकदम से कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से, ये कहीं जोश का नतीजा तो नहीं कि जो एक दूसरे के विरोधी लोगों को ये लग रहा है कि जो प्रत्याशी दावेदार हैं कांग्रेस के दूसरे खेमों के, उनकी कोई साजिश तो नहीं है? नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हाथ की लिखी सूची जो है व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में चल रही थी, जिसमें करीब 72-73 नाम थे। उसमें भी ये कहा जा रहा था कि ये जो है एक तरह से मोटे तौर पर नाम एक सूची तैयार कर ली है, इन नामों को जल्दी जो है पार्टी जारी कर देगी। तो और लेकिन अब जैसे कांग्रेस में तो जब बिल्कुल ऐन वक्त पे टिकट के वितरण होते हैं, टिकट को लेके मारामारी होती है, तो जाने कितने दावेदार होते हैं, कैसी प्रतिस्पर्धा होती है, सबको मालूम है। अब ये सूची अभी से जारी करके, जैसे मध्य से पीसी शर्मा का नाम उसमें सूची में आ गया, ठीक है ना, पीसी शर्मा के अलावा मुझे लगता है भोपाल के अंदर कांग्रेस के सबसे ज्यादा दावेदार मध्य तो में है, उसमें आपने एक नाम सामने कर दिया। आप समझिए जब तक कैंडिडेट घोषित नहीं होगा तब तक क्या स्थिति होगी, कितनी मारा होगी, कितनी उठापटक होगी। तो और ऐसा कांग्रेस का कोई नेतृत्व तो कर भी नहीं सकता कि कांग्रेस में ऐसा माहौल पैदा करे जबरन सूची तैयार करके, सूची को जारी करके। तो मुझे सूची पे कोई भरोसा नहीं होता। जैसे रामेश्वर निखरा का नाम है कि वो चुनाव लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। जैसे विक्रांत भूरिया का नाम है, चलो उसका उनका मान सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन है, मीनाक्षी नटराजन मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो बहुत सारे उसमें ऐसे नाम भी हैं, लेकिन उस सूची की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उस सूची को मैं ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी ना तो कमलनाथ जी को इतना समय मिला है, ना कोई ऐसी कसरत हुई है कि सूची सामने आ जाए। चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि ये सूची संभावित नामों की सूची है, तो क्या लगता है जो कमलनाथ इस सूची में जो सबसे चौंकाने वाला जो नाम आया है वो है नकुलनाथ का, यानी कि कमलनाथ जी के जो सुपुत्र हैं नकुलनाथ, उनकी क्या संभावना है चुनाव को लेकर? मैं एक बार राजनीति में लाने के लिए, जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह हैं, वो चुनाव लड़े, विधायक हैं, तो एक पहला कदम होता है राजनीति में आने का। और कई बार हर चुनाव में चर्चाएं चलती रहती थी कि नकुलनाथ जो है विधानसभा का लड़ेंगे या लोकसभा के टिकटों की बात आती थी तो लोकसभा में नाम उनका चलता था। तो नकुलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनके पिताजी प्रदेश की राजनीति में आए हैं, एक ये ऐसा दौर शुरू हुआ है कि कांग्रेस की उनको बहुत सारे कांग्रेसियों को उम्मीद है कि इस बार सरकार आ सकती है। तो दिग्विजय सिंह के जैसे लड़के आगे वैसे कमलनाथ के लड़के भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभाल सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी उनको भी हम चर्चा में बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभाल जी। क्या लगता है आपने जो अभी तक सुना, जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक सूची जारी की है जिसको संभावित सूची मान रहे हैं कि लोग विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की, एक तरह से कहा जा रहा है कि संभावित सूची, दूसरी तरह इसको फर्जी भी बताया जा रहा है, क्या मानते हैं आप, ये सूची जो जारी की गई है ओरिजिनल है या संभावित सूची है? देखिए जुबर जी, जिस तरह से अभी त्यागी जी ने बताया है, त्यागी जी बहुत करीब से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस की जो संस्कृति है, वो अन्य पार्टियों से भिन्न है। यहाँ जब तक बी फॉर्म जिसको ना मिल जाए और बी फॉर्म वो जमा ना कर दे तब तक उसको आप प्रत्याशी नहीं मानिए। कई उदाहरण जैसे आए हैं, पिछली बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र में की हम बात करें तो राजकुमार पटेल के साथ पूरा घटनाक्रम हुआ था, सबको मालूम है। तो यहाँ पर कांग्रेस में टिकट की मारामारी चलती है, वो अंतिम क्षण तक चलती है, अंतिम समय तक चलती है। यानी कि 5 बजे तक भी अगर जिसके पास बी फॉर्म है, मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति को ही टिकट मिलता है। और ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, कांग्रेस के संस्कार में ब्लड के अंदर जो है वो गुटबाजी कूट कूट का भरी हुई है, वो कहते हैं हमारी संस्कृति का अंग हो चुका है, उससे वो भिन्न भी नहीं हो सकते। जहाँ तक सवाल संभावित टिकटों का है, तो ये सिलसिला जो है अभी शुरू हुआ है, ये सिलसिला जो है नवंबर तक चलता रहेगा। लोगों की ए सूची, बी सूची, सी सूची आती रहेगी। और सोशल मीडिया चूंकि इन दिनों बहुत सक्रिय है, तो सोशल मीडिया में आप हर संभावित क्षेत्र से, हर विधानसभा क्षेत्र से कुछ ना कुछ संभावित लोगों के नाम आप देखेंगे, जोड़ जाएंगे। जैसे जहाँ तक सवाल मध्य का है, तो मध्य में वास्तव में लगभग 2 दर्जन जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो काफ़ी लंबे समय से आस लगाए बैठे थे और सबको लगता है कि ये मध्य क्षेत्र जो है वो बहुत ही नरम चारा होगा। लेकिन ये यहाँ पर जो गुड़बाई देख सामने आ रही है वो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ पर हर व्यक्ति को लगता है कि इसको टिकट मिल जाएगा, विधायक बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी संघर्ष
अंदर भी करना पड़ेगा और बाहर भी करना पड़ेगा, और जहां संभावित सूची का सवाल है तो मैंने फिर आपसे कहा कि ये सूची बनती है, बनती रहेंगी और अंतिम क्षण तक बनती रहेगी। आपने जो एक अहम बात कही है बी फॉर्म की, कि जब तक बी फॉर्म नहीं मिल जाता तब तक किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत उम्मीदवार नहीं माना जा सकता, बहुत सही बात है। जिस तरह से आप मध्य की बात कर रहे हैं कि पीसी शर्मा को संभावित सूची के उसमें दायर नाम में लाए गए हैं, और वहाँ से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, जब कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने से उनके जो समर्थक हैं, हम बात करें आसिफ जकी की, हम बात करें मोहम्मद सलीम की, इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, और अचानक पीसी शर्मा जो दिग्विजय सिंह खेमे से माने जाते हैं, तो गुटबाजी भी कहीं ना कहीं हावी रहती है। कमलनाथ जी ने भी खुद ये बात कही है कि इस बार जो प्रत्याशी चयन होगा वो जीत के उम्मीदवार होगा या गुटबाजी या ये मेरा समर्थक है या ये उसका समर्थक, उस पर तवज्जो या उस पर ज़्यादा वो नहीं दिया जाएगा ध्यान। क्या लगता है दिनेश जी, आपको किस तरह की सूची आने की संभावना, और ये कब तक जो प्रत्याशी चयन होना है कब तक हो जाएंगे? जुबेर भाई, ये तो जैसे अजय सिंह कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं, कोई भी नेता अभी किसी से बात करो तो वही कहेगा कि टिकट वितरण का आधार सिर्फ जीतने की क्षमता होगी और जो है मुंह देखकर टिकट नहीं दिया जाएगा, सब बातें कहने की होती हैं। हर बार जो है जब टिकट वितरण होते हैं, जब भी नाम तय होते हैं तो कभी भी जीतने की क्षमता नहीं देखी जाती। कमलनाथ अपने आदमियों की सूची दे देते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने नामों की सूची दे देते हैं, सिंधिया जी अपने नाम दे देते हैं, किसको कितने नाम देना है किसको नहीं देना है उसमें एक तालमेल बैठाया जाता है। तो टिकट सिर्फ जीतने की क्षमता देखी जाएगी, ये तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। ऐसा कांग्रेस में कभी होता नहीं है, मुझे लगता है आगे भी नहीं होगा। अभी भी जो कार्यकारिणी बन रही है या कहीं कहीं ये देख के नहीं बनता कि संगठन क्षमता किसमें कितनी है। जैसे मान लीजिए अभी संगठन के प्रभारी उपाध्यक्ष बैठ गए, भाई चंद्र प्रभाष शेखर हैं, कितने दिन से एक्टिव थे, लेकिन चूंकि कमलनाथ से जुड़े थे इसलिए बन गए। तो मेरा एक उदाहरण की बात कह रहा हूँ, जो अरुण यादव से के साथ वाले लोग थे एक तरफ से बाहर हो गए। तो कांग्रेस में चेहरा ना देखा जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसमें जो है कभी भी क्षमता नहीं देखी जाती है। तो ये ठीक है कि चूंकि इस बार सारे नेता सतर्क हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा माहौल एंटी इनकम्बेंसी का है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, इस कारण हो सकता है काफ़ी कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टिकट वितरण का आधार तो नेताओं की पसंद ही होगा और नेता जो बताएंगे उन सूचियों के आधार पर ही ज़्यादा टिकट बटेंगे। वो बहुत कम सीटें ऐसी होंगी जहाँ जो है इस तरह से जैसा कह रहे हैं कि जो जीतने की क्षमता वाला हो, क्योंकि हर नेता जो अपना नाम बताता है वो ही कहता है कि मैं यही जीत सकता हूं, ये नहीं बोलता कि मैं हार जीतूंगा। जितने भी प्रत्याशी सामने आएंगे, आपके सामने आए चाहे, वो सब कहेंगे साहब मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सर मैं जीत सकता हूँ। तो ये तो हर प्रत्याशी हर नेता कहता है यही जीत सकता है, तो ये कोई नहीं है। आप कैसा सर्वे कराते हैं, कैसे टिकट आने वाला समय बताएगा? बिरवाल जी, एक जो सवाल है, बहुत अच्छी बात कही है दिनेश जी ने कि चेहरा देख के टिकट वितरण होता है, समर्थक के आप जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, जो छत्रप नेता हैं, वो अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाते हैं। अब वो नहीं देखते कि इनका क्षेत्र में क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से इनकी इमेज है, वो कोई नहीं देखा जाता। लेकिन एक जो कल जो संभावित सूची बताई जा रही है कि संभावित सूची में जो नाम आए, वर्कर नकुलनाथ के नाम आया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया का नाम आया जो कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र हैं, नकुलनाथ कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं, तुलसी सिलावट का नाम आया, मीनाक्षी नटराजन का नाम आया, इसके अलावा पीसी शर्मा का नाम आया, तो क्या लगता है जो अभी ये संभावित सूची मान लें एक तरीके से कि ये संभावित प्रत्याशी इन इन क्षेत्रों से, क्या इनकी जीत की संभावना कितनी दिखती है आपको? देखिए जुबेर भाई, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पूरे प्रदेश में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, तो कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता सुख से वंचित है और अब उनको लग रहा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए उनकी एकजुटता होना उनकी मजबूरी भी है। कर्नाटक फार्मूला भी अपने सबके सामने है। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो गोड़ वाला गणतंत्र पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी सपा सबसे गठजोड़ करेगी। और जहाँ तक सवाल संभावित प्रत्याशियों का है, तो कमलनाथ जिनके हाथ में कमान आई है वो बहुत ही अनुभवी नेता हैं, संजय गांधी के समय से राजनीति कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने जहाँ तक सवाल है कई दौर के उन्होंने अपने स्तर पर जैसा माना जा रहा है सर्वे भी करवाए हैं, और उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि इस क्षेत्र में कौन व्यक्ति मजबूत हो सकता है, कौन कमज़ोर हो सकता है, इसके आधार पर वो चयन करेंगे। लेकिन जो नाम अभी आपने बताया है, जैसे मीनाक्षी नटराजन का नाम है, तो मीनाक्षी नटराजन किसी भी स्थिति में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोकसभा की कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं, तो विधानसभा का चुनाव लड़ने का सवाल नहीं होता। भूरिया जी के पुत्र का सवाल है, तो भूरिया जी स्वयं कांतिलाल भूरिया बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन पुत्र का भी ऐसा कुछ नहीं है। कमलनाथ जी के पुत्र भी नकुल है, सिर्फ
बेटे बाप के दम पर पुत्र को टिकट मिल जाए ये संभव तो है, लेकिन जीत पाना इसमें कोई मतलब जीत पाना ये कोई मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता। जहाँ तक दिग्विजय सिंह के पुत्र का सवाल है, दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुत्र के लिए काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी जमीन से उसको जोड़ा और आज भी वो जिस तरह से उनकी वर्किंग है तो लगता है कि वो दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई पिता अच्छा नेता है तो उसका पुत्र भी उतना ही सफल होगा। तो ये कई मायने रखे जाएंगे अभी जीत के, अभी कई मैंने कहा ना कई दौर अभी आएंगे, कई छः पाँच छः छन्नियाँ लगेंगी, कौन किसका है ये बात सही है, चेहरा देख कर ही टिकट तो मिलेगा, लेकिन उसमें भी ये देखा जाएगा कि जो निकटतम व्यक्ति इसका टिकट काटा जा रहा है वो 19-20 है कि नहीं है, इसके आधार पर इसका चयन होगा। जुबैर भाई जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल एक और सामने आ रहा है, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, दिग्विजय सिंह की भूमिका तय नहीं की गई अभी तक, और जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, क्या लगता है दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका रहेगी पूरे चुनाव में और कांग्रेस को एकजुट करने में? देखिए दिग्विजय सिंह, एक बात तो साफ है कि दिग्विजय सिंह नेतृत्व की दौड़ में नहीं है, दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, दिग्विजय सिंह का समय खत्म हो चुका है। दूसरा, जहां तक दिग्विजय सिंह की भूमिका का सवाल है तो ये माना जा रहा है, राजनीतिक दलों में बातचीत करें अगर, कि सिंधिया जो पीछे हुए कमलनाथ आगे हो गए उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की थोड़ी बहुत भूमिका है। तो दिग्विजय सिंह की लेकिन जैसे नर्मदा अपनी परिक्रमा के दौरान ही दिग्विजय सिंह ने घोषणा कर दी थी कि वो यहाँ से फ्री होने के बाद प्रदेश परिक्रमा करेंगे, प्रदेश एकता यात्रा निकालेंगे एकजुट करने के लिए, लेकिन उस यात्रा को अभी न तो शुरू ही, न उसका कोई कार्यक्रम आया, उसकी अनुमति मिली कि नहीं मिली, अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहता है कि दिग्विजय सिंह के प्रति जो प्रदेश में नाराजगी है वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, और कांग्रेस और जो भाजपा है, भाजपा अपने चुनाव प्रचार में दिग्विजय सिंह का नाम लेके आज भी वोट लेती है, 15 साल बाद भी वोट लेती है, तो ये फीडबैक है पार्टी नेतृत्व के पास, इसलिए उनकी एकता यात्रा को रोक दिया गया है कि उनकी एकता यात्रा वास्तव में आगे, क्योंकि अभी जो है कल परसों ये जो न्याय यात्रा अजय सिंह जी की चल रही थी, उस न्याय यात्रा को हरी झंडी मिल गई है, उसका अगला चरण जो है शुरू होने वाला है, और कमलनाथ जी के यहाँ से जिन तीन जिलों में रीवा सीधी तरफ यात्रा जाना है वहाँ के प्रभारी भी बना दिए गए हैं, तो वो यात्रा तो शुरू हो गई, रुकी हुई थी, लेकिन अभी दिग्विजय सिंह की एकता यात्रा कहीं कोई अतापत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यात्रा निकले चाहे ना निकले, लेकिन दिग्विजय सिंह के लोग चूंकि पूरे प्रदेश में हैं, दिग्विजय सिंह सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे नेता हैं जिनके सबसे ज़्यादा समर्थक हैं, गांव-गांव में ब्लॉक-ब्लॉक में हैं, तो दिग्विजय सिंह का उपयोग पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो, कोई गुटबाजी ना हो, एकता हो, इसके रूप में तो किया जाएगा, अब कैसे किया जाता है ये आने वाला समय बताएगा। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह बैठे रहेंगे, दिग्विजय सिंह कुछ ना कुछ भूमिका तो निभाएंगे, कैसी निभाएंगे अब इसका इंतजार है। प्रवाल जी, एक तरफ दिग्विजय सिंह जैसे त्यागी जी ने बताया, जब जाहिर है कि कमलनाथ जी के बहुत करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह जी, और उनको हमेशा कमलनाथ जी को बड़ा भाई बोलते हैं, एक नई धुरी बन रही है मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयवर्धन सिंह की, जयवर्धन सिंह के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राघोगढ़ गए उनके साथ भोजन की, एक नई युवा जोश की जो धुरी बन रही है, एक तरफ अनुभवी नेता कमलनाथ दिग्विजय सिंह, एक तरफ युवा जोश ज्योतिरादित्य सिंधिया जयवर्धन, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, माधवराव सिंधिया जी जब थे तो उसके बाद जब माधवराव सिंधिया जी का अचानक जो है वो प्लेन एक्सीडेंट में जो निधन हुआ था, उसके बाद वहाँ से ऐसा फरमान जारी हुआ गया था कि ज्योतिराव सिंधिया जी जो है वो अब दिग्विजय सिंह के संरक्षण रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी स्वयं भी कहा कि उनको एक प्रकार से मुझे गोद देने की बात कही गई थी, और मैंने कहा था जब तक वो राजनीति परिपक्व नहीं हो जाते वो उनका संरक्षण में रहूँगा, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ बदली और दोनों बड़ी धुरी बने, एक राजा एक महाराजा वाली जो बात सामने आई। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से उनके सुपुत्र ने जयवर्धन सिंह ने आगे एक हाथ आगे बढ़ा के ज्योतिराव सिंधिया को अपने राजघराने में बुलाया, और जिस तरह से उनके जो है वो डिनर पार्टी हुई है, जो डिनर पॉलिटिक्स हुई है, इससे ये संकेत है कि अब आने वाले समय में तो सबको साथ, मैंने कहा ना, गठजोड़ बनाकर रहना ही पड़ेगा, ये समय का तकाजा भी है और समय की मजबूरी भी है, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं की ये बात सामने आ रही है कांग्रेस में, और कांग्रेस के हाथ से इस बार भी सत्ता फिसलती है तो मैं समझता हूँ बिहार और यूपी से बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो जाएगी। इसलिए अब एक दूसरे का दामन थापना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, ये एक प्रकार की मजबूरी भी है, समय की, मैंने कहा समय का तकाजा भी है। जहाँ दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह किंगमेकर के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर रहेंगे, वो पहले भी कह चुके हैं 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है, और जैसा बताया कि ब्लॉक ब्लॉक में और गाँव गाँव में उनके फॉलोअर आज भी हैं, पर्दे के पीछे की राजनीति में बहुत बहुत माहिर है। जिस तरह नर्मदा यात्रा के दौरान उन्होंने अपना जलवा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेता
कई विधायक उनके सुरम सुरम लाते मिले, उनके पीछे खड़े मिले, तो एक प्रकार से दिग्विजय सिंह ने बता दिया कि आज भी वो मध्य प्रदेश में उनका कोई तोड़ नहीं है, जमीनी तोड़ उनका कोई। चलिए अपन बात करते हैं, दिग्विजय सिंह का कोई तोड़ नहीं है, दिग्विजय सिंह एक रहस्यमय ताकत है, पर्दे के पीछे रह के सब कुछ कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है प्रवाल जी और दिनेश जी, आप दोनों से बारी बारी जानना चाहूँगा, कमलनाथ जी ने मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बात जो कही थी कि वो मुख्यमंत्री पद के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में वापसी देखना चाहते हैं और एकजुट देखना चाहते हैं। अभी एकजुटता नज़र भी आ रही है हर जगह, पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट नज़र आ रही है, चाहे हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, चाहे हम बात करें दिग्विजय सिंह की, चाहे कमलनाथ, सब एकजुट नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एकजुटता टिकट वितरण के समय भी नज़र आएगी और टिकट वितरण में भी एकजुटता की झलक देखने को मिलेगी? प्रवाल जी देखिए, मैंने आपसे कहा कि जहाँ तक सवाल है कि अभी ये जो टिकट का मामला है इसमें 4-5 महीने का समय है, पहले से टिकट तो जारी नहीं होंगे, लेकिन एकजुटता दिखाना पड़ेगी। मैंने कहा ना ये मजबूरी भी है, अगर इस बार नहीं तो किसी, ये जो नारा दिया है अभी नहीं तो कभी नहीं, इनको दिखाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है गुटबाजी की, तो गुटबाजी तो अंतिम दम तक रहेगी, क्योंकि हर नेता ये चाहेगा कि उसका ही जो है वो समर्थक वहाँ से विधायक बने, और पूरा पूरा ये मामला जो है हाईकमान के पास जाएगा और अंतिम निर्णय जो है वो हाईकमान राहुल गांधी को ही लेना होगा। क्या लगता है जी आपको? एकजुटता ये जैसा प्रभाल जी ने कहा कि बिल्कुल इन लोगों की मजबूरी है एक होना, हाँ, लेकिन जब टिकटों का सवाल आ जाएगा, तो टिकटों की बात है, तो ये हर नेता कोशिश करेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिले, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया पार्टी ने, हाईकमान बाद में तय करेगा, शक्ति परीक्षण की राजकुमारी की स्थिति आ सकती है, इसलिए हर नेता चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके अपने लोग को टिकट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत कर आए। लेकिन जब एक बार ये टिकट वितरण हो जाएगा, मुझे लगता है इस बार कांग्रेस के जो नेता हैं समझदारी का परिचय देंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, और मुझे लगता है कि इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं ठीक है, जिन टिकट वितरण में एकजुटता का परिचय देंगे, लेकिन सवाल ये आ रहा है दिनेश जी, बहुत से समर्थक हैं, जैसे कमलनाथ जी के समर्थक की बात करें हम, वो लंबे समय से पीसी मोहम्मद सलीम, आसिफ जकी जैसे नाम है, या दूसरे भी नाम है, सज्जन सिंह वर्मा है, ये दूसरे नाम है, काफ़ी लंबे समय से कमलनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब चूंकि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, तो क्या उनको उम्मीदें नहीं रहेंगी कि उनका नेता टिकट अध्यक्ष है तो उनको टिकट दिलवाए, भले ही वो जैसे सुरेश पचौरी ने तो आरिफ मसूद को दिलवाया, संजीव सक्सेना को दिलवाया, रहेंगे देखिए, तो उसको उस स्थिति से कैसे निपटेंगे? रहेंगे, कमलनाथ जी के पास ज्यादा जवाबदारी है, कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ है, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है, कमलनाथ जी के ऊपर ये भार है कि सारे नेता एक रहे। जहाँ तक जैसे आपने भोपाल की राजनीति का जिक्र किया, सज्जन सिंह वर्मा तो खैर उनके खास आदमी सबसे हैं ही और चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं, जैसे आसिफ जकी और मोहम्मद सलीम का नाम आपने लिया, मुझे नहीं लगता कि कहीं शहर के अंदर इतना एक्टिव दिखते हैं और ऐसा कोई बड़ा जलसा प्रदर्शन करते हैं कि वो टिकट के दावेदार बन गए हों। ऐसा कोई शक्ति परीक्षण एक बार आरिफ मसूद कई बार करते हैं, लेकिन जो है और वो आपका जो नासिर इस्लाम है वो भी करते दिखते हैं, लेकिन मुझे आज तक आसिफ जकी और मोहम्मद सलीम ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन करते नजर नहीं आए, उनके साथ इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ताकत उनमें है, उनको टिकट दिया ही जाए। तो कमलनाथ के सामने अपनी बात रखेंगे और कमलनाथ को देखना पड़ेगा कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है। कमलनाथ का तो एक तरह से बड़े दिल करके ये देखना ही पड़ेगा कौन जीत सकता है, उनके जो लोग हैं उनमें भी वो देखेंगे, उनको खुद को मालूम होगा कौन चुनाव लड़ सकता है कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सब मिल बैठ के तय करेंगे कौन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्या लगता है प्रवाल जी आपको? बिल्कुल सही कहा जैसे कि गणेश जी ने कि यहाँ ये देखना पड़ेगा कि शक्ति परीक्षण बहुत अलग है। अभी पिछले दिनों जो है वो एक कांग्रेस के एक नेता मुनव्वर ने बहुत बड़ी कब्बाली का कार्यक्रम रखा, हजारों के लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, अब कब्बाली का प्रोग्राम रख दिया या कार्यक्रम रख दिया वहाँ पर, लोग कार्यक्रम सुनने आए, इसका भी पैमाना इसका पैमाना टिकट नहीं हो सकता है। लेकिन कहना मतलब है कि अब जो समय आ रहा है तो लोग अपने अपने हिसाब से लोग चलेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 15 साल में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, प्रदर्शन किया है, जो सक्रिय रहे हैं, जो घर से निकले हैं, बाहर आए हैं, वो अगर टिकट मांगते तो बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग कभी सक्रिय ही नहीं रहे, सिर्फ इस आधार पर कि मैं अल्पसंख्यक हूँ इसलिए मुझे टिकट मिल जाए, मैं जो हूँ बहुत भीड़ इकट्ठी करता था इसलिए मिल जाए, ये भीड़ इकट्ठी करने का पैमाना जीत के पैमाना है। जवर जी दोनों में अंतर समझना पड़ेगा और इसी आधार पर ही कमलनाथ जैसे परिपक्व और तपे तपा नेता को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, भीड़ का पैमाना जीत का पैमाना नहीं हो सकता। अगर आप भीड़ जुटा सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप चुनाव भी जीत सकते हैं।
जिताइए, लेकिन राजनीतिक आंदोलन तो उन्होंने दिखाई है, कई रैलियां हमने ऐसी भी देखी जिनमें हजारों की लाखों की तादाद में रैलियों में शामिल होते हैं लेकिन वो प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाता। तो भीड़ इसका मतलब नहीं है, भीड़ किस तरह से जुटाई जाती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं भीड़ जुटाने के पीछे कितनी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन भीड़ से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। सवाल कांग्रेस का जो है, कांग्रेस ने जो सूची संभावित सूची की बात कर रहे हैं कि किसी कारण से या किसी मकसद से सूची जारी की है, क्या होगा चयन का, प्रत्याशियों के चयन का पैमाना, या सारे नेता किस तरह से एकजुट होंगे प्रत्याशियों के चयन में, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कांग्रेस के सामने, 15 साल से जो सत्ता से दूर है, सत्ता में 15 साल बाद वापसी करने का सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इस बार जैसे प्रभाल जी ने कहा कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, मध्य प्रदेश में अगर इस बार कांग्रेस एकजुट नहीं हुई, इस बार सत्ता में वापसी नहीं करी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह हो सकता है। इसलिए कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली जरूरत बात है वो प्रत्याशी चयन की और सबको एकजुट होकर जीतने वाले चेहरे को टिकट देना पड़ेगा। यही अगर इस पैमाने पर खरे साबित होते हैं तो ही कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। इस मुद्दे पर आज इतनी चर्चा, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।